सिवनी मालवा की तहसील में गोडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा के उमेश सिंह जाट के नेतृत्व में तहसीलदार पुष्पेंद्र निगम को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ग्राम पंचायत में बने जा रहे विद्युत वितरण कंपनी के पावर हाउस लगाने के लिए एक आदिवासी की जमीन में खड़ी गेहूं की फसल को नष्ट कर दिया गया। पीड़ित विशनिया पति श्रीराम आदिवासी ने बताया कि उक्त छोटी घास की जमीन पर हमारा 30 वर्षों से ज्यादा का कब्जा है, जहाँ पर हम मेहनत मजदूरी कर पेट पालने के लिए खेती करते हैं। बुधवार के दिन राजस्व और विद्युत वितरण के कर्मचारियों और अधिकारियों ने इसे नष्ट कर दिया। वहीं तहसीलदार पुष्पेंद्र निगम ने बताया कि इस पूरे मामले में पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलाया जाएगा। क्या नाम है आपका? उमेश सिंह जाट, वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किसान मोर्चा। जी, क्या मामला हुआ आपके साथ? मामला ये हुआ, हमारे आदिवासी भाइयों पे अत्याचार हो रहा है और उस अत्याचार को लेकर के हम आए थे SDM साहब को, हमने ज्ञापन दिया। किस प्रकार का अत्याचार हुआ? ये इन्होंने जिस भूमि पे काबिज है, हमारे मामा शिवराज सिंह जो कहते हैं कि भाई जो जिस भूमि पे काबिज है उस व्यक्ति को वहाँ का अब भूमि का मालिक बनाया जाएगा, पर उन्हीं के राज में उन्हीं के कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा उन पर अत्याचार किया जा रहा है। अभी ग्राम भमेड़ी का मामला है, भमेड़ी के मामले में क्या हुआ कि पावर हाउस या जो भी उनका बनना है बिजली विभाग का, तो उस पर एक गरीब आदिवासी की 1 एकड़ भूमि थी और पिछले 50 साल से कब्जा था और उसका जुर्माना भी वो निरंतर भरता आया, उसके पास उसकी रसीद है और उस पर बलपूर्वक बगैर कोई पूर्व सूचना के उन्होंने कल जाकर के और उसके जो गेहूं जिसमें उसने 2 पानी दे दिए थे और सारी मेहनत और उसकी लाख लगत मजदूरी करके और लगा चुका था, उसको जाकर के रोन दिया गया और ख़त्म कर दिया गया और साक्ष्य पुलिस विभाग के द्वारा साक्ष्य भी मिटा दिए गए। वीडियो बन रहे थे उनके बच्चे जो स्थिति का वीडियो बना रहे थे उसको मिटा दिया गया। तो गरीब लोगों के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं और प्रशासन से न्याय की मांग करते हैं कि उसको उचित मुआवजा दिया जाए और इसके बाद में उसकी जो भूमि अधिग्रहित की गई है उस भूमि के बदले में उसे दूसरी भूमि दी जाए। सिवनी मालवा से संतोष चंदेल की रिपोर्ट।